Bismillahir Rahmanir Alaikum and welcome everyone. Today, the book which I am going to review is My Feudal Lord. My Feudal Lord: A Devastating Indictment of Women's Role in Muslim Society by Tehmina Durani. First of all, Tehmina Durani was an author of more than three books. Uh, she was also a social. वर्कर एंड वेलफेयर एक्टिविस्ट एज वेल एज फिल्म्रोपिस्ट शी वर्क विद अब्दुलस्तार एदी अलाट माई फ्यूडल लोड इज ए स्टोरी ऑफ इज़ ऑन लाइफ वी कैन से डेट्स इट इज़ हर ऑटोबाओग्राफी कुछ अर्सा पहले आप लोगों को पता होगा कि खलील रहमान कमर साहिब की एक ड्रामा सीरियल चली थी और बहुत ज़्यादा हिट हुई थी तो उस ड्रामे के बाद बहुत सारे सवाल उठ गए थे कि ये ड्रामा जो है इसके अंदर जो करेक्टर्स है इसके अंदर जो स्टोरी है क्या वाकई वो हमारी सोसाइटी को डिपेक्ट कर रही है तो उस ड्रामे के ऊपर बहुत, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस बहुत सारे तहफा उठ रहे थे कि ड्रामा जो है इसके अंदर जो किरदार है कि वाकई वो हमारी सोसाइटी को डिपेक्ट कर रहे हैं मुझे भी हैरत हुई मैंने भी इसके बारे में सोचा फिर मुझे ये किताब मिली ये किताब काफ़ी पुरानी है 1990 में इसकी पब्लिकेशन हुई है तकरीबन तीस साल हो चुके हैं इस किताब को अभी रिसेंटली ये किताब मैंने पढ़ी है तो इस किताब के अंदर मुझे पता चला कि हाँ वाकई उसने जो स्टोरी बयान की थी वो कुछ ना कुछ हद तक हकीकत पर मबनी है ये कहानी है तहमीना दुरानी की तहमीना दुरानी जो है वो एक इम्पॉटेंट फिगर है पाकिस्तानी सोसाइटी में जो लोग फेमेज़म मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो मैं जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन लोगों के लिए तहमीना दुरानी जो है वो एक इम्पॉटेंट फिगर का रोल अदा करती है ये स्टोरी स्टार्ट होती है उसकी बचपन से चूँकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है उसकी सवाह उम्री है तो इसमें सबसे पहले उसने अपने बचपन का ज़िक्र किया है अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो कि इतने खुशगवार नहीं थे इस्पेशली उसके और उसकी मदर की मबे जो रिलेशनशिप था उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि ड्यू टू हर कंप्लेक्शन ऑफ कलर उसकी डार्क कलर की वजह से मदर की रिलेशनशिप और मदर की इंक्लिनेशन टू अदर सिस्टर ज़्यादा थी चूँकि इसकी डार्क uh, कम्प्लेक्शन की वजह से मदर जो थी वो इसकी तरफ बहुत ही कम माइल होती थी और इनकी बहन जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था जिसकी वजह से अर्ली चाइल्डहुड ही में ये डिप्रेशन और दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हुई इसके बाद ये स्टोरी जाती है इसकी मैरिड लाइफ की तरफ इसकी मैरिज हो जाती है और फिर वहाँ से ये एक्चुअली में ये कहानी जो है ये ओलाम मुस्तफ़ा कर की है मुस्तफ़ा कर जो है वो एक्स चीफ़ मिनिस्टर ऑफ़ द पंजाब एंड एक्स गवर्नर ऑफ़ द पंजाब रह चुके हैं और अभी जो है वो 2017 में उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया है लेकिन उसकी जो अली लाइफ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहे बल्कि यूँ भी कहा जा सकता है कि वही वो पहले फिगर थे फ़िकार अली बट्टू के साथ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उसको uh, लॉन ऑफ द पंजाब भी कहा जाता था मतलब पंजाब का शेर ड्यू टू हिज़ परफॉर्मेंस एंड ड्यू टू हिज़ अचीवमेंट्स एंड पोलिटिकल सेटअप्स तो, तो, तो ये स्टोरी जो है वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा कर की है अब इस किताब के अंदर थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बयान किया गया है इस किताब के अंदर आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी नज़र आएंगे इसके अंदर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी नज़र आएगी और इसके साथ साथ जो सोशल इश्यूज़ है उनको भी हाईलाइट किया गया है मुगला कर जो है वो एक लैंड लॉर्ड है वो एक फ्यूडल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं पंजाब मुजफ़रगर से उनका ताल्लुक है और उसने चार शादियाँ की हुई है आलरेडी ये जो तहमीना दुरानी है ये इसकी छठी बीवी है और ये एक मिसोजिनिस्ट इसके साथ साथ एक सेटिस्टिक और सबसे इम्पोर्टेंट एक बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार आदमी है जिन कंडीशन में इनकी शादी होती है और फिर इनको क्या क्या ऑपरेशन क्या क्या सफरिंग से गुजरना पड़ता है उन सब का अहवाल बहुत डिटेल के साथ इस किताब में है तहमीना दुरानी ने बड़ी डिटेल के साथ लिखा है कि एक फ्यूडल माइंड सेट क्या होती है एक फ्यूडल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जागीरदार की क्या जिंदगी होती है उनके क्या आदात होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है वो किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट करता है वो किस तरह पेट्रियारकी को फोकस करता है वो किस तरह मिसोजिनिस्ट बिहेवियर शो करता है इसके अंदर वो सारा डोमेस्टिक वायलेंस वो सारी ऑपरेशन वो सारी सप्रेशन जो एक फीमेल को इस मुल्क के अंदर जो कि एक फ्यूडल कंट्री है जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है या जहाँ पर जागीरदारों की सरमा की हकूमत है उनका इकतदार है उनके पास एक्चुअल पावर है जो हैवज़ है जो बुरजीज़ है वही प्रोलीटेरियट को हेवस नॉट को सप्रेस्ट करते हैं, ओप्रेस्ट करते हैं तो ये सारी स्टोरी जो है वो इस किताब में बयान की गई है इसके साथ साथ इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज डिस्कस किए गए हैं कि किस तरह गुलाम मुस्तफ़ा कर अपनी बीवी तहमीना दुरानी को ओपरेस्ट करता है उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है एक वक्त में उसको मारता है पीटता है वॉशरूम में बंद करता है उसके बच्चे उससे छीन लेता है और फिर दूसरी ही सीन में फिर उससे माफ़ी मांगता है उसके पैर पकड़ता है तो ये जो शिफ्ट ऑफ मूड्स है जो मूड स्विंग्स बयान की गई है जो बाइपोलर डिसऑर्डर बयान किया गया है वो भी इस किताब में आपको मिलेगा इसके साथ साथ इस किताब के अंदर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है चूँकि ये तहमीना दुरानी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा कर जो है जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया वो जुल्फ़िकार अली बट्टू का राइट हैंड थे और 1971 से लेकर 1977 तक ये जो जुल्फ़िकार अली बट्टू का रिजीम था उसमें इसने एक इम्पॉर्टेंट फिगर प्ले किया है वो एक बार चीफ़ मिनिस्टर ऑफ़ पंजाब रह चुके हैं एक बार गवर्नर ऑफ़ द पंजाब रह चुके हैं तो पाकिस्तान फ्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडिंग मेंबर में मुस्तफ़ा कर का नाम आता है तो इसमें जब 1977 में बेजलफ़िकार अली भट्टू की पार्टी चली जाती है और मार्शल ला लग जाता है और जनरल जियाल हक अपना रिजीम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ ऑफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट एक्प कर लेते हैं तो उसको एग्जाइल होना पड़ता है और इसको जलावतन किया जाता है पाकिस्तान टू यूके तो फिर ये तकरीबन तो नौ साल ये यूके में गुजारता है एग्ज़ाइल में अपनी बीवी के साथ तो उन तो इस बुक में आपको वो अहवाल भी देखेंगे जनरल हक के ऑपरेशन उसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन उन सारे अहवाल का जिक्र भी आपको इस किताब में मिलेगा इसके साथ साथ तहमीना दुरानी की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है जब ये लोग 1988 एट में या गालिबा 1987 में वापस इंग्लैंड से पाकिस्तान माइग्रेट कर लेते हैं तो चूंकि जनरल हक अभी भी इकतदार में है तो वो इसके ग़ुलाम मुस्तफ़ा कर को जेल में बांधते हैं और तकरीबन दो साल उसको इंप्रज़ेंट रखा जाता है तो उन दो सालों में तहमीना दुरानी ही बतौर एज अ वाइफ बतौर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ग़ुलाम मुस्तफ़ा कर डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ करती है डिफरेंट प्रोटेस्ट करती है और अपनी आवाज़ उठाती है जनरल हक़ के रजिम के ख़िलाफ़ और अपने खावन की रिहाई के तो इसी वजह से फिर दो साल के बाद जब जनरल हक़ की हो जाती है उस मठायर हो जाता है एक प्लेन क्रैश में तो उसके बाद मुस्तफ़ा कर आज़ाद हो जाते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सरगरम रखते हैं इस किताब में बहुत कुछ है क्योंकि वक्त की कमी की वजह से उन तमाम फैक्टर्स को उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता जो इस किताब में डिस्कस हुए हैं लेकिन बहरहाल ये किताब जो है एक बेहतरीन बुक है और बहुत से क्रेडिबल uh, जर्नल्स ने क्रेडिबल पब्लिकेशन एजेंसीज़ ने इनकी रिव्यूज़ की है uh, तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये किताब उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए उन तमाम लोगों के लिए जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान में इंटरेस्ट है जो कि सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर के जो इश्यूज है जो फेमिनिस्ट इश्यूज है उनको गो uh, थ्रू करना चाहते हैं तो वो ये किताब ज़रूर पढ़े और लास्ट में इस किताब का जो थीम है जो एपिलॉग में जो दो तीन पेजेस में इस किताब को डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज है वो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है अगर आपका ताल्लुक एक कैपिटलिस्ट क्लास के साथ नहीं है अगर आप गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी रिलेशनशिप एक ऐसे बंदे से हो जो कि लैंड लोड हो जो कि फ्यूडल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो तो आपको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है आपने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या कुछ झेलना पड़ता है क्या कुछ टॉलरेट करना पड़ता है आपको कितने सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं तो उन तमाम बातों का अहवाल इस किताब में आपको मिलेगा इस किताब में गुलाम मुस्तफ़ा कर की पर्सनैलिटी को जो डिपिक्ट किया गया है अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वाकई में ऐसा है क्योंकि इसमें पर्सनल बाइसिस भी हो सकती है लेकिन बाहर हाल जहाँ तक मुझे समझ आया है कि गुलाम मुस्तफा कर जो है वो एक मिसाजनस्ट किस्म की पर्सनैलिटी है जो ख़वातीन को सप्रेस्ट करता है ओप्रेस्ट करता है इसके साथ साथ वो एक बाइपोलर किस्म की पर्सनैलिटी है जो कि एक वक्त में एक तरह का बिहेव करता है और बिल्कुल उसके अलग दूसरी तरह बिहेव करेगा इसके साथ साथ मुस्तफा मुा के जो इिजिटमेट रिलेशनशिप्स है तहमीना दुरानी की सिस्टर आदिला के साथ उनका भी बड़ी डिटेल के साथ जिक्र है अगर उसकी हम बात करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि हदूद आर्डीनन्स के बेस पे इन दोनों पे एडल्ट्री के एडल्ट्री के एलिगेशंस लग जाए लेकिन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ऑथर में से ये पहली एक ओसी आतर है जिन्होंने उन तमाम टॉपिक्स जिसको टैबू कंसिडर किया जाता था जिसको बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन कंसीडर किया जाता था उन उन अहवाल को बड़ी डिटेल के साथ अपने किताब में बयान किया है सो एट द लास्ट आई वॉन्ट टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक एंड इंक्रीज़ योर नॉलेज एंड इंक्रीज़ Uh, your command on the topics of different um, feminist issues and different uh, domestic issues so thank you very much thanks for watching